हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको दो टाइप की नीडल इरेजर के इस्तेमाल के बारे में बताऊंगी एंड इन दोनों में जो कंपेयर है मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने प्रोफेसर की एक पेंटिंग बना ली, आप तो सब जानते होगी प्रोफेसर कौन है। एंड ये है मेरे पास एक नया नीडल इरेजर फेबर कैसल की, जो मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। तो मेरे पास एक पुराना जो है मोंटमार्ट कंपनी के, तो मुझे तो इससे काम करके अच्छी लगती है क्योंकि मेरे पास यही फर्स्ट है एंड यही लास्ट है। तो मैंने अभी तक और कोई भी इस्तेमाल नहीं किया था, फेबर कैसल का इस्तेमाल करूँगा एंड दोनों पे कंपेयर करके आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट टाइम मैंने मोंटमार्ट की जो नीडल इरेजर है उसका इस्तेमाल करी, तो मेरे पास यही पहले से है, मैंने और किसी का इस्तेमाल नहीं किया। तो मुझे तो यही इससे ही काम करके बहुत ही अच्छी लग रही एंड आप जानते तो नीडल इरेजर को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इसको धीरे धीरे इरेज कर लूँगी एंड ये जो पेंटिंग देख रहे हो नेक्स्ट वीडियो में इस पेंटिंग आने वाली है, तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा लो क्योंकि इस पेंटिंग अगर आप देखना चाहती हो तो बेसिकली तो बहुत अच्छा काम मिल रहा है इससे, आप देख लिया। क्योंकि पेंटिंग में जब आउटलाइन बनाती हूँ थोड़ा किसी किसी जगह पे थोड़ी डार्क एरिया बन जाती है एंड शेडिंग में उसको दिखने में बहुत बुरी लगती है, इसलिए मैंने इसको नीडल इरेजर से फर्स्ट टाइम इरेज कर लेती हूँ। देखो पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा, अगर मैं पास से देखूँगा तो सब कुछ डिटेल्स ही आएंगे। एंड अब मैं इस्तेमाल करूँगी फेबर कैसल की, तो मेरे पास एक है उसके लिए मैं इसको पूरा इस्तेमाल नहीं करूँगी, इससे थोड़ा पार्ट कट करके इसको इस्तेमाल करके आपको दिखाती हूँ। आप चाहो तो पूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी आप पूरा का इस्तेमाल मत करो, एक साथ बहुत सी एरिया नष्ट हो जाएगी। आप छोटे छोटे पार्ट में कट करके इस्तेमाल करो, इससे आपके सामान जल्द बहुत दिनों तक आप इस्तेमाल कर पाओगी। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम इससे एक पार्ट काट लिया, तो कट करने के टाइम तोड़ने में कितना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट जो मैंने उसको फर्स्ट टाइम किया था मोंटमार्ट वाली, तो इतना सॉफ्ट मुझे उस पर नहीं मिला, तो बहुत हार्ड था। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं, ओनली 50 रुपीज़ है एंड इसका प्राइस है 150 रुपीज़, 2 मिलते हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट मैंने अभी तक नहीं देखा। तो सॉफ्ट तो है लेकिन इससे काम कैसे बनते हो तो देखते हैं। तो बहुत नाइस काम बन रहा है, इतना सॉफ्ट, इतना ईजिली इरेज हो रहा है, तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप अगर प्रैक्टिकली करोगी तो आपको पता चल जाएगी, डस्ट निकल आ रही है एंड बहुत इजीली इरेज हो रहा है। आप तो पिक वीडियो में देख रहे हो कि कितना अच्छी एंड स्मूथली इरेज हो रही है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रही है। तो मैं जो प्रोफेसर का पेंटिंग पूरा का पूरा इससे ही करूँगा, मैंने तो सोच लिया एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मोंटमार्ट से बहुत ही बेस्ट है एंड बहुत सॉफ्ट है। अगर इस इरेजर हार्ड है ना तो काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है एंड अगर नीडल इरेजर जितना सॉफ्ट होगा काम करने में उतना अच्छे एंड मज़ा आएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम खरीदोगी तो आप मोंटमार्ट के ना किनकर आप फेबर कैसल के ही ख़रीदना एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी। फेबर कैसल बहुत अच्छे कंपनी है एंड इसका जो नीडल इरेजर है मुझे तो बहुत पसंद है। तो वीडियो पसंद है तो ज़रूर एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए। मिलते हैं गाइस इस वीडियो का प्रोफेसर वाली पोर्ट्रेट में जल्द ही।